नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। लगातार दो दिनों से 700 से ज्यादा मामले आने के बाद आज थोड़ी राहत भरी खबर आई है। बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज की यानी 10 जुलाई की अपडेट जारी कर दी है। बिहार में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार जरूर कर गया है। आज जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनकी संख्या 352 है, जो पिछले दो दिनों की तुलना में काफी कम है। इन 352 नए मरीजों के साथ ही बिहार में 14,330 कुल कोरोना के पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिसमें से 9,792 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामला भागलपुर से आया है। भागलपुर में पिछले 24 घंटे में 84 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना में 73 नए कोरोना मामले मिले हैं, जबकि बेगूसराय, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, किशनगंज सहित 11 जिलों से पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने नहीं आए। आज 10 जुलाई को कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं, अगर उसकी जिलेवार बात करें तो अररिया 4, अरवल 6, औरंगाबाद 1, बांका 6, भागलपुर 84, बक्सर 5, दरभंगा 5, ईस्ट चंपारण 21, गया 1, जमुई 8, जहानाबाद 1, कैमूर 1, खगड़िया 10, लखीसराय 4, मधेपुरा 9, मधुबनी 15, मुजफ्फरपुर 34, नालंदा 13, नवादा 1, पटना 73, पूर्णिया 2, रोहतास 7, समस्तीपुर 6, सारण 2, शिवहर 2, सुपौल 19 और वेस्ट चंपारण से 12 नए केस सामने आए हैं। कल हमने बिहार के उन 5 जिलों का नाम बताया था जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। आज भी वही जिले यानी पटना, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मधुबनी बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों वाले जिले बने। आपको मालूम होगा कि बिहार के लगभग 19 जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। सभी जिलों में प्रशासन ने बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया है, इसलिए प्रत्येक जिले के लॉकडाउन में आपको थोड़े बहुत अंतर दिखाई दे सकते हैं। पटना में मास्क अब अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य होगा। और भी कई जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आपको 50 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। बिहार में कोरोना की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि बेवजह बाहर नहीं निकले। जरूरी काम से निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, खुद सुरक्षित रहें और बिहार को सुरक्षित बनाएं। बिहार से जुड़ी सभी खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।